फ्रेंड्स, मैं अपना ब्रेकफास्ट वाला ये खोलता हूँ। इसमें एक पानी की बोतल है, ये आई थिंक कॉफ़ी थी मैंने, हाँ ये कॉफ़ी है, ई.com। इसमें डेरी क्रीम लिखा हुआ है, इसमें एक डेरी क्रीम है और स्वीटनर शुगर, ये दूध है, देखिए दूध, ये आई थिंक मेरे को कॉफ़ी शायद अपने आप ही इधर बनाने पड़ेंगे। बाकी इसमें वही है, एक एक दो दो ये पीस हैं कि कॉफ़ी के लिए। और इन्होंने बाकी इन्होंने चम्मच फॉग दिए हुए खाने के लिए, मैं देखता हूँ मुझे खाने के लिए उन्होंने आज ब्रेकफास्ट में क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, सैलेड, एक एप्पल है, एप्पल तो मेरे वहाँ भी होते हैं लेकिन अब कैनेडियन एप्पल खाता हूँ, टेस्ट करके बताऊँगा कैसा होता है। तो ये बंद टाइप का है कुछ, और एक ये है, इसमें ड्राई फ्रूट है काफ़ी ज़्यादा, मेरे को इसका नाम नहीं पता क्या है लेकिन ये चीज़ है। तो बस इतना ही है मेरे ब्रेकफास्ट के लिए दिया हुआ इन्होंने। हेल्दी खाना है, क्वारंटीन टाइम में सोच रहा कि हेल्दी खाना खाओ। बाकी इसके बाद खाना खा के मैं आपको बताऊंगा कि कैसा खाना है, और कॉफ़ी बना लूँ मैं तब तक अपनी, उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना तो बहुत अच्छा था, हेल्दी फूड था, और कॉफ़ी मैंने अपनी बना ली थी, उसको गर्म कर लिया था। मेरे पास यहाँ पर कॉफ़ी मेकर पड़ा है तो मैंने उसमें कॉफ़ी को गर्म किया। ये सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी देते हैं, तो छोटे छोटे दूध के थे, मैंने वो डाल के शुगर वगैरह ऐड करके अपने जैसी मेरे को चाहिए थी उस टाइप की मैंने अपने लिए बना ली, और खाना भी नो डाउट बहुत अच्छा था ब्रेकफास्ट। तो मेरे पास अब सिर्फ एप्पल पड़ा था, मैंने इसको पहले तो वॉश कर लिया तो मैं एप्पल खाने लगा था। तो एप्पल बहुत स्वीट है और बहुत जूसी है, साइज एप्पल का छोटा है लेकिन बहुत टेस्टी है। तो अब इसके बाद मुझे लंच आएगा तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट और शेयर जरूर करना, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अब यहाँ पर स्नोफॉल बंद हो गया है, वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अब मेरा लंच आ गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे लंच में क्या आया है। फ्रेंड्स, तो ये मेरा लंच का वो है, तो इसमें जूस, एप्पल जूस, और ये एक पानी की बोतल, ये सैलेड है,
बिस्कुट ये बॉक्स है, तो मैं देखता हूँ इसमें क्या है। आज लंच में इसमें चिप्स, आलू के चिप्स ही है। और रोस्टेड ब्रेड, और इसके अंदर रोस्टेड ब्रेड है, और शायद लाइक सैंडविच की तरह बना के मुझे दिया है। बाकी इसका टेस्ट मैं अब खाने के बाद आपके साथ शेयर करूँगा। तो खाना तो अच्छा लग रहा है, बाकी अब खाएंगे फिर देखता हूँ मैं कैसा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मेरा डिनर आ गया है। तो आज हम देखते हैं हमारे डिनर में हमें क्या क्या मिला। रोटी, एप्पल जूस, कर्ड, दाल चावल, चम्मच और फोग और स्वीडिश में पेस्ट्री, पेस्ट्री को मैं फ्रिज में रख देता हूँ अपने। पेस्ट्री को मैंने फ्रिज में रख लिया अपने, और अब मैं अपना डिनर करता हूँ, फिर बाद में इसका टेस्ट बताऊँगा। वैसे तो दोपहर को जो खाना आया था वो काफ़ी हैवी था, तो मेरे से तो वो पूरा भी नहीं खाया गया। वैसे तो ऑलमोस्ट ठीक था, लेकिन कुछ ज़्यादा हैवी था, क्योंकि वो जो ब्रेड थे उसके अंदर चीज़ था, और वो काफ़ी ज़्यादा मुझे हैवी लगा। तो अब मैं डिनर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है।